नमस्ते एंड वेलकम टू स्पाइस रोमा डॉट इन वेयर फूड इज लव एंड रिलीजन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी जो कि हर घर में बनाई जाती है और हर एक इंसान को पता है, लेकिन नया ये है कि इसमें यूनिक सा ट्विस्ट है जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। हरा उपमा, कभी सोचा है कि उपमा भी कभी हरा हो सकता है? तो चलिए बनाते हैं एक हरा भरा उपमा चटनी के साथ। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए सेकी हुई सूजी 1 कप, चॉप्ड धनिया के पत्ते आधा कप, चॉप्ड नारियल आधा कप, हरी मिर्च 1 से 2, उड़द दाल 1 टेबलस्पून, चना दाल 1 टेबलस्पून, टुकड़ा काजू 10 से 12, मटर 1/4 कप, चॉप्ड बीन्स 1/4 कप, प्याज चॉप्ड 1/4 कप, पानी 2.5 कप, तेल 4 से 5 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार। चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं चॉप नारियल आधा कप, सेकी हुई चना दाल आधा कप, सेकी हुई मूंगफली 1 टेबलस्पून, चॉप्ड अदरक 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 1 से 2, नमक स्वाद अनुसार। और आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड मिल जाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मैंने अपनी चॉप की हुई और धोई हुई धनिया पत्ती को डाल लूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें चॉप किए हुए नारियल। तो दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में डाल रही हूँ मैं, यानी धनिया और नारियल दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 4 टेबलस्पून पानी। मैं नारियल के पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। फिर मैं इसमें डालूंगी करीब 2 से 3 मिर्ची। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसे पीस लूंगी। अब एक कढ़ाई को मैं मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और इसमें डाल रही हूँ तेल, और फिर इस तेल को गर्म होने दूंगी मैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने और फिर इसे चटकने देंगे हम मीडियम फ्लेम पे ही। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चना दाल, उड़द दाल, और इसे करीब 30 से 40 सेकेंड मैं इसे गर्म तेल में ही रहने दूंगी ताकि ये हल्के लाल हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो मैंने ये हरी मिर्च बीच से काट ली है लंबाई में, और करीब 1.5 मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्ते डालते ही मैं इसे ढक दूंगी ताकि इसके तेल के छींटे हम पर ना पड़े। आप भी यही काम कीजिए। फिर करीब 30 सेकेंड बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज, और इसे मैं गोल्डन लाइट ब्राउन होने तक सेक लूंगी मीडियम फ्लेम पे ही। ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड बीन्स। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, ये फ्रोजन मटर नहीं है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और करीब 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे इसे ढक दूंगी। 5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ तो ये करीब 80% डन होना चाहिए, और बाकी का 20% हम जब इसे पानी में बॉयल करेंगे ये तब पक जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी शुरुआत में तैयार किया हुआ पेस्ट को, यानी धनिया और कोकोनट का पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए मैं तेल में ही सेक लूंगी इन सारी चीजों के साथ, ताकि कोई रॉनेस है यानी कोई कच्चापन है तो वो अच्छे से सिक जाए। ये सिक चुका है तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो करीब 2.5 से 3 कप, यानी डबल या 1 कप ज़्यादा आप पानी डालिए आपके सूजी के क्वांटिटी का। तो अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो आप 2 से 2.5 कप या मैक्सिमम 3 कप पानी डाल दीजिए इसमें, क्योंकि हम इसमें पेस्ट डाल रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट 1/2 कप पानी कम ले रहे हैं। अब पानी में बॉईल आने दूंगी और साइड बाय साइड यानी बराबर में मैं अपने काजू को फ्राई कर लूंगी,
तो मैं इसमें अभी फ्राइड काजू डाल रही हूँ। आप चाहे तो शुरुआत में ही काजू डाल सकते हैं। अगर आप इस स्टेज में डालेंगे तो काजू आपके एंड तक यानी उपमा सर्व करने के टाइम तक क्रिस्प रहेंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट में इनिशियली में डालेंगे तो आपके काजू थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे एंड तक पानी में बॉईल होके। तो अब पानी में बॉईल आ चुका है तो अब मैं सेकी हुई सूजी को इसमें धीरे धीरे डालती जाऊंगी और अब साथ ही साथ मैं इसे स्टर करती जाऊंगी यानी चलाती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी ताकि कोई सूजी के लम्स ना पड़े यानी गुठलियाँ ना पड़े। और मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करते रहूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया है। अब तो हमारी हरी भरी उपमा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी चटनी की तैयारी करते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मैं डाल रही हूँ रोस्टेड चना दाल, फिर डाल रही हूँ मिर्ची, उसके बाद मैं डाल रही हूँ चॉप किए हुए नारियल। तो दाल और नारियल इक्वल क्वांटिटी में है और आप मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ रोस्टेड मूँगफली और अदरक, नमक, फिर मैं इसमें भी करीब एक चौथाई कप पानी डाल के अच्छे से पीस लूंगी। तो अब बारी आती है हमारे हरे भरे उपमे को सर्व करने की। तो मैंने इसे सर्व किया है एक प्लेट के अंदर अपनी चटनी के साथ और ये आपके आंखों को जितना अपीलिंग लग रहा है आई एम श्योर कि आपकी भूख को भी डबल कर रहा है। तो देर किस बात की है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और सबको हैरान कीजिए इस यूनिक ट्विस्ट के साथ। तो मैं श्योर हूं कि आप जरूर ट्राई करने वाले हैं और तब तक मैं इंतजार करती रहूंगी आपके फीडबैक का और हमारी अगली ऐसी ही यूनिक रेसिपी तक। खाइए, खिलाइए, खुशियां बांटिए।